राधे राधे दोस्तों, जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें याद आती है वो है श्री कृष्ण की बांसुरी व उनका सुंदर मोर पंख जो किसी का भी मन मोह ले। ये मोर पंख ही श्री कृष्ण को पूरे संसार में सबसे मनमोहक और सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण की पहचान है ये मोर पंख और उनका ये रूप और ये अवतार मोर पंख के बिना अधूरा सा लगता है। चाहे प्रेम राधा रानी का हो या मीरा का, श्री कृष्ण के इस मोर पंख को देखकर उमड़ी पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मोर पंख को श्री कृष्ण क्यों धारण करते थे? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण के उनके मोर पंख के प्रति प्रेम के पीछे एक कथा हमें देखने को मिलती है कि एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में सो रहे थे। तभी श्री कृष्ण की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि आसपास मौसम बेहद अच्छा है। वहाँ उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, जिसकी धुन सुनकर सारे पशु पक्षी मोर सहित नाचने लगे। जब संगीत खत्म हुआ तब मोरों के राजा श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने अपने पंख तोड़कर जमीन पर रख दिए। इसे उन्होंने श्री कृष्ण को दक्षिणा के रूप में दिया व अपने बालों में सजा लेने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण ने सदा सदा के लिए मोर पंख धारण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये मोर पंख श्री कृष्ण के जीवन के अत्यंत गूढ़ रहस्य भी उजागर करता है। जैसे मोर पंख में सभी तरह के रंग पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से श्री कृष्ण ये हमें दर्शाते हैं कि हमारे जीवन का भी ऐसे ही अनेक रंगों से भरा होना स्वाभाविक है। कुछ दुख के रंग और कुछ सुख के रंग। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, हमें दोनों को समान भाव से अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इस मोर पंख के द्वारा श्री कृष्ण भी यही संदेश देते हैं कि हमें अपने शत्रुओं और मित्रों को समान भाव से देखना चाहिए। और यही बात वो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि शत्रुओं और मित्रों को एक समान कैसे देखें, वैसे ही जैसे हमारे श्री कृष्ण ने किया। उनके साथ सदैव रहने वाले बलदाऊ, हम सब जानते हैं कि वो शेष नाग के अवतार थे। और नागों और मोरों में क्या शत्रुता है ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। पर देख लीजिए, श्री कृष्ण बलराम जी के साथ भी रहते हैं और अपने सर पर सुंदर मोर पंख भी धारण करते हैं। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने की एक और कहानी है जो त्रेता युग से जुड़ती है। जब श्री राम और माता सीता वनवास के दौरान लक्ष्मण जी के साथ घूमने निकले और मोरों के एक समूह ने आकर उनका रास्ता भक्ति भावना के कारण साफ किया, उससे श्री राम बेहद प्रसन्न हुए। श्री राम ने उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें ये वर दिया कि अब जब वो श्री कृष्ण के रूप में अगले बार जन्म लेंगे तो वो मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मोर एक ऐसा प्राणी है जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है और कहा जाता है कि मोरनी मोर के अश्रुओं को पीकर गर्भवती होती है। मोर के अंदर तनिक भी वासना देखने को नहीं मिलती। मोर की तरह जिसके जीवन में वासना का लेश मात्र भी अंश नहीं होता, उसे ईश्वर अपने मस्तक पर धारण कर दिए, ये सूचित करता है श्री कृष्ण का मोर पंख। कहीं कहीं ये वर्णन भी देखने को मिलता है कि राधा रानी के घर काफी मोर हुआ करते थे और वो उन्हें नचाती भी थी। एक बार मोर ऐसे ही काफी मदमस्त होकर हमारी राधा रानी के आगे नाच रहे थे। तभी माँ श्री कृष्ण आए और वो भी मोरों के बीच नाचने लगे। तभी मोर का एक पंख नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने झट से उठाकर अपनी राधा रानी के प्रेम का प्रतीक समझते हुए अपने सिर पर लगा लिया। इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे की एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी है, जो कहानी बताती है कि एक बार एक मोर था जो श्री कृष्ण की बेहद कृपा प्राप्त करना चाहता था। वो रोज श्री कृष्ण के लिए सुंदर गायन और नाचना किया करता था, पर श्री कृष्ण उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तभी एक मैना ने उस मोर को ये कहा कि आप राधा रानी के पास जाइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। तो मोर पहुंच गया राधा रानी के चरणों में और राधा रानी ने मोर को प्रेम से बेहद आशीर्वाद दिया। और जब मोर ने प्रेम से भरकर राधा रानी का गुणगान करना शुरू कर दिया तो श्री कृष्ण स्वतः ही उस मोर की ओर, उसकी भक्ति की ओर आकर्षित हो गए और इस तरह मोर को श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो गई राधा रानी के गुणगान करने की वजह से। श्री कृष्ण उस मोर के द्वारा किया गया राधा रानी का गुणगान और उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न होते हैं कि वो उसके मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण करने का फैसला कर लेते हैं। इस तरह दोस्तों, हमें श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने से जुड़ी अनेकों सुंदर कथाएं देखने को मिल जाती हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को
पाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।